थोड़ी देर ये काली पांच का सा बजता रहेगा, ये जब तक बज रहा है तब तक आपको कोशिश करनी है इसके रे प सा सब शुद्ध, ये तीन स्वर गाने की। थोड़ी देर बाद ये तीनों स्वर बजाकर उसकी साउंड फ्रीक्वेंसी कैसी बजती है ये आपको बताया जाएगा। तभी आप परख लीजिए कि आपने लगाए हुए सुर करेक्ट थे या नहीं। तो अभी शुरुआत हो रही है ये सा स्वर के बजने की। ये है वो तीन रे प सा सब शुद्ध स्वरों की साउंड फ्रीक्वेंसी। रे प सा। व्हाट्सएप वीडियो, काइप, जूम या गूगल मीट के जरिए ऑनलाइन संगीत सीखना और संगीत पाठ करना है बहुत आसान। गाने या बजाने में खटका, मुरकी, मींड, गमक जैसी हरकतें लेने से ही गाना मधुर कहलाता है। आपकी संगीत शिक्षा शुरू करने के लिए एक बार हमसे फोन पर बात कर लीजिए और समझ लीजिए संगीत अभ्यास क्या होता है और आपके सुविधाजनक वक्त में ये अभ्यास आप कैसे कर पाओगे। ये हमारा पिछले 10 साल का अनुभव है।